पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। स्वागत है दोस्तों आपका। कांग्रेस पार्टी अपने फुल फॉर्म में चल रही है और 400 स्ट्राइक रेट से खेल रही। कर्नाटक में आपने कांग्रेस का खेल देख ही लिया, अब अगला बैटिंग नंबर मध्य प्रदेश की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। जिस जिसने भी कांग्रेस पर सवाल किया था कि जो 5 वादे उसको कैसे पूरा करेंगे, नहीं कर पाएंगे इत्यादि इत्यादि, सबके मुंह पर ताला लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह में ही उसने 5 वादों पर मोहर लगा दिया और उसको पास कर दिया। अब मध्य प्रदेश के लिए 5 वादों का ऐलान कर दिया, भारी टेंशन दिए जा रहे हो यार। भाजपा और मीडिया पर बेचारे करे तो करे क्या, 5 वादों में एक नंबर पर सबसे बड़ा मुद्दा स्मृति ईरानी के आंदोलन वाले वस्तु यानी गैस सिलेंडर, जो 500 रुपये में देने का वादा कर दिया है। दूसरे नंबर पर हर महिला को 1500 रुपये प्रति महीना, तो वहीं तीसरे पर बिजली 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट तक हाफ किराया देना पड़ेगा। चौथे पर है किसानों का कर्ज माफ। 5वें नंबर पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। और यह भी कहा, कर्नाटक में हमने वादा निभाया, अब MP में निभाएंगे। जय जनता जय कांग्रेस। अब देखते हैं बीजेपी इन वादों के बदले अपने वादों में क्या लाती है और कांग्रेस के वादे को मुफ्त रेबरी का नाम देकर खुद 17-18 वादे करेंगी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेबड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेबड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मजा तो आने वाला है मध्य प्रदेश चुनाव में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।